नमस्कार दोस्तों, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी से अलग होकर बना हुआ है, यहाँ पर दोस्तों इस वर्ष से एडमिशन स्टार्ट होगा। और इसके संबंध में जैसे कि दोस्तों यहाँ पर यानी कि रायगढ़ के अंतर्गत जितने भी यूनिवर्सिटी चाहे गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी कॉलेज हैं और जहांगीर ज़िले के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज आते हों सभी अब दोस्तों रायगढ़ यूनिवर्सिटी में स्थापित हो गए। मतलब वहाँ से बिलासपुर यूनिवर्सिटी से कट के अब रायगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई। इसमें जहांगीर चांपा और रायगढ़ ये दोनों जिलों का जितने भी कॉलेज है वो अब रायगढ़ यूनिवर्सिटी शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के में जो है सम्मिलित हो गए हैं। तो इस पर एडमिशन के लिए दोस्तों एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि कब से स्टार्ट होना है एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म, जिसमें स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर के लिए। यहाँ पर दोस्तों परिपालन विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर, इसके साथ ही स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर और सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नियमित छात्रों हेतु प्रवेश के लिए ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय की पोर्टल SNP यानी कि SNPV.ac.in पर उपलब्ध पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कराएंगे। तो दोस्तों यह जानकारी है कि आप शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय से में जहांगीर ज़िले के जितने भी यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज हैं और रायगढ़ ज़िले में जितने भी कॉलेज हैं वो अब शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में यानी कि मिल गए हैं। अब वो उस नाम से जाना जाएगा, आप एग्ज़ाम वहीं से लिया जाएगा। इसके लिए उस एडमिशन के लिए ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश हेतु पंजीयन की तिथि है 2/8/2021 से जो है प्रातः सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और पोर्टल इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल्स का अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन करने का, पंजीयन करने का अंतिम तिथि है 17 अगस्त 2021। इसी प्रकार से विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय यानी कि महाविद्यालय को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया गया मेरिट सूची जो परसेंट बेस से रहेगा, आपको 12वीं में जितने परसेंट प्राप्त हैं उसी बेस पे मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और प्रथम मेरिट लिस्ट जारी करने की तिथि है यानी कि 18 अगस्त से 20 अगस्त तक एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा सभी यानी सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय के द्वारा। और इसके पश्चात मेरिट लिस्ट आने के पश्चात एडमिशन लेने का डेट रहेगा कॉलेज में संबंधित महाविद्यालय में जहाँ भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है वहाँ। विश्वविद्यालय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मेरिट सूची जो है विश्वविद्यालय जो महाविद्यालय को भेजेगा, उसके पश्चात भेजने का तिथि है 18 से 20 तक। और यानी कि महाविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए प्रथम मेरिट सूची के अनुसार वह शुल्क के सहित वह है 24 अगस्त से यानी तक आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब 18 से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, मेरिट लिस्ट के अनुसार यह 24 अगस्त तक चलेगा एडमिशन प्रोसेस। यह रात के 12 बजे तक एडमिशन प्रोसेस चलेगा। इसके साथ ही अगर सीट रिक्त हो जाता है तब की स्थिति में जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, प्रथम मेरिट सूची जारी करने पर रिक्त सीट होने पर अन्य मेरिट सूची मतलब सेकेंड मेरिट सूची जारी करने की तिथि है 25 अगस्त 2021 को। अगर सीट जो है रिक्त हो जाता है, सीट फुल नहीं होता है, तब के स्थिति में जो अगला मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वह 25 अगस्त को जारी किया जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों मेरिट जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा उसके अनुसार एडमिशन लेने का तिथि है 31 अगस्त रात्रि 12 बजे तक अंतिम एडमिशन तिथि है। इसके पश्चात जो भी एडमिशन होगा रिक्त सीटों पर वह कुलपति के परमिशन से ही यानी कि एडमिशन दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है, संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्यों के जारी की गई मेरिट सूची में चयनित आवेदकों को पोर्टल में प्रदर्शित करने के लिए ऐड टू मेरिट लिस्ट पर क्लिक करके पंजीयन मोबाइल नंबर पर प्रदान की गई SMS की सुविधा के माध्यम सूचित कराएं। तो दोस्तों यह जितने जिन भी छात्रों का मेरिट लिस्ट नया आएगा वो SMS के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा। इस प्रकार से फिर आता है समस्त महाविद्यालय के प्राचार्यों के जारी की गई मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश लेते हैं छात्रों के यूज़र आईडी को दी गई समय सीमा में पोर्टल पर अनिवार्य लॉक कराएं। जी हाँ दोस्तों, लॉक कराने के संबंध में और आप लोग का शुल्क लगेगा, 50 रुपये ऑनलाइन शुल्क लगेगा। तो इस प्रकार से यह जानकारी है दोस्तों। इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वर्ष से शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंतर्गत जहांगीर ज़िले में से आने वाले सभी कॉलेज और रायगढ़ ज़िले के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेज इसमें अब यानी कि एक हो गए हैं, अब इस यूनिवर्सिटी में जुड़ गए हैं।